घबराए पाक ने अमेरिका से लगाई गुहार, भारत को रोको। नमस्कार, पाकिस्तान मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पर भीषण झड़पों के बाद अमेरिका से आग्रह किया है वह भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्र को एक खतरनाक युद्ध में झोंकने से रोके। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वह हालात को संभालने के लिए हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए योगी ने कहा, भारत पाकिस्तान को उकसाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा, क्षेत्र में तनाव की स्थिति से अमेरिका भी चिंतित है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड को रविवार को ध्वस्त कर दिया। इस पर पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद के 5 वीटो अधिकार प्राप्त देश से आग्रह किया वह भारत से इन लॉन्च पैड के बारे में जानकारी मांगे। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि वह सच्चाई दिखाने के लिए इन देशों के राजनयिकों का घटना स्थल का दौरा कर सकता है। पाकिस्तानी सेना ने अपने देश के कब्जे वाले कश्मीर में 3 आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के भारतीय सेना के दावे को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि भारत अपने दावों को सही साबित करने के लिए किसी भी विदेशी राजनीति या मीडिया को घटना स्थल पर ला सकता है। सेना प्रमुख विपिन रावत ने रविवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर के तंगधार और केरन सेक्टर के दूसरी तरफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 आतंकी शिविर नष्ट कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल हासिफ गुफूर ने ट्वीट करके भारतीय सेना प्रमुख के दावे पर कहा, भारतीय सेना प्रमुख का ये बयान निराशाजनक है क्योंकि वह बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर निशाना बनाने की बात छोड़िए, वहाँ कोई शिविर ही नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का स्वागत है कि वह किसी भी देश राजनीतिक मीडिया को लेकर इस बात को साबित कर सकता है।